लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। क्यों करना पड़ा उस लाश को इंतजार, क्यों उस लाश के पास से उसके अपने ही भाग गए अंतिम समय पर, देखिए टीम टीवी 30 इंडिया की ये खास रिपोर्ट। क्यों उस लाश के पास से सब भाग गए, क्यों उसके अपने ही उसके पास से भागने लगे, ऐसा क्या हुआ उस समय जब किया जा रहा था अंतिम संस्कार? तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के थाना हथगांव क्षेत्र के सिमरहा गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी मिट्टी में जाने के लिए गांव के लोग और परिजन एकत्र हुए। अंतिम शव यात्रा घर से निकली और कुछ ही दूर पर गांव में पंचायत घर के पास बने शमशान घाट पर पहुंच गई, जहां पर सबको चिता देने की अंतिम तैयारियां चल रही थी। वहीं बगल में कुछ दूरी पर एक पुराना पीपल का पेड़ भी था। इस पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों ने अपना छत्ता लगा रखा था। परिजनों ने अगरबत्ती जलाई और उसके बाद देखते ही देखते वहां एकत्र लोगों के ऊपर अचानक कुछ मक्खियों ने हमला बोल दिया। इस हमले के दौरान एक व्यक्ति ने एक मधुमक्खी को मार दिया। उस मधुमक्खी को मारना मानो उन लोगों के लिए काल जैसा साबित हुआ हो, और उसके बाद मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। मधुमक्खियों के हमले के कारण सबकी अंतिम रस्म अदायगी पीछे छूट गई। वहां पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां से लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। इस हमले में लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग घायल भी हो गए, जिनका उपचार वहां के स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। रामचंद्र सोनी ये खत्म हो गए थे, इनके वहां पे चीता लगाने के लिए लेके गए, जाने के बाद इनकी मिट्टी रखी गई, अचानक मक्खियों का झुंड आया, सबको इतनी ज्यादा काट लिया, कम से कम 10 लोगों को काटा है। अब पीपल में जो मक्खी लगी हुई है कम से कम 300 मीटर दूरी है। मिट्टी को रख दिए, एक मक्खी एक लोग के पास आ गई तो उसने हाथ से मारा, अब उसके हाथ से मारना ही खराब हो गया, फिर जितनी पाया जिसको पाया वहीं पर गिरा दिया। वहाँ पर मिट्टी रखे हैं बस वैसे ही, मतलब मधुमक्खी आ गई थी बस वैसे, पूरा जो मतलब हमला बोल दिया। इस दहशत से सबका अंतिम संस्कार कई घंटों तक नहीं हो पाया और लोग वहां जाने से कतराते रहे। वहीं अंतिम संस्कार शाम को हो सका। फतेहपुर से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ इलियास खान की रिपोर्ट। अपने आसपास हो रही किसी भी असामाजिक घटना को भेजें हमारे पास और बने समाज के प्रति जिम्मेदार। हम आपकी आवाज को पहुंचाएंगे महकमों से जुड़े जिम्मेदारों तक। हमें मेल करें support@tv30india.com पर, या हमें व्हाट्सएप करें 9758766843 पर। और साथ ही टीवी 30 डिजिटल मीडिया नेटवर्क के यूट्यूब चैनल टीवी 30 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।